चलिए नवीन के पास अपन जाएंगे बाद में। मेरे साथ सृजन सुंदरानी यहाँ पे मेरे बगल में बैठे हुए हैं, और सुबह जब हमारी बीजेपी वालों से बात हो रही थी तो उनका कहना था कि हाँ अभी आप देखिए, लेकिन यहाँ आए ये खाली हाथ आए। भाई रुझानों के हिसाब से तो कुछ मिठाई विठाई का डब्बा लेके आना चाहिए था आपको। नहीं, हम अभी मंगवा लेते हैं, हम मंगाने की स्थिति में भी आ गए हैं। हाँ तो क्या शुक्ला जी, चंद्रशेखर जी, वो आपके प्रवक्ता सुबह सुबह सबको हमको ये माइक इनका शुक्ला जी का जरा देखिए, चेक करिए यहाँ पर। शुक्ला जी बताइए, वो हमको पार्टी का इनविटेशन देके गए हैं कि वो आज सबको खाने पे ले जाएंगे, लेकिन लगता है कैंसिल होने वाला है वो। नहीं नहीं रवि जी, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। देखिए अभी महज 2 या 3 राउंड की गिनती हुई, 16 राउंड की गिनती होनी बाकी, 13 राउंड की गिनती होनी बाकी है, और निश्चित तौर पर जैसे जैसे रुझान स्पष्ट होते जाएंगे आप देखिएगा कांग्रेस की पुनः बहुमत की सरकार बनेगी, क्योंकि हमें अपने कामों पर भरोसा है। में देखिए इतना अंतर, 37 पे आप हैं, 51 पर बीजेपी है, आपके सारे मंत्री पीछे चल रहे हैं, 5 राउंड हो चुके हैं, मुख्यमंत्री पीछे हैं, उप मुख्यमंत्री पीछे हैं, ये तो बड़ी स्थिति थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। नहीं नहीं, ये चुनाव में ऐसे अक्सर होते हैं। मुझे 2013 शेखर जी, आकांक्षा जी, आकांक्षा जी 23,000 वोट से आगे चल रहे हैं, 23,000 बहुत बड़ी लीड है। अब तो वो सीट निकल गई। नहीं वो ठीक है, रायगढ़ की बात अलग है, 23,000 वोट बड़े मायने रखते हैं, लेकिन इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूं 2013 में भी ऐसे ही कुछ प्रसंग हुआ था। अच्छा। कांग्रेस आगे थी और दोपहर के आते आते बीजेपी की सरकार बन गई, तो निश्चित तौर पर देखिएगा 12 बजते बजते भाजपा के 12 बज जाएंगे। हाँ। और हम लोगों के अच्छे दिन आने तो चालू हो जाएंगे। एक घंटे में आपके 12 बज जाएंगे, ऐसा कहना है उनका। देखिए ये कांग्रेस के लोग अभी भी सपने में जी रहे हैं, 75 पार की बात करते थे, घमंड की बात करते थे। हाँ। जमीन इनकी खिसक चुकी थी। मैं रात को भी 2 घंटा IBC के साथ बैठा था, आकांक्षा जी थी, मैंने कहा था कम से कम 52 सीट आएगी, ज्यादा से ज्यादा 55 सीट आएगी, 52-55 की बात मैंने की थी, और निश्चित रूप से हम 51 पे पहुंचे। आप देखिएगा 12 बजे के बाद ये हमारे आंकड़ा 52 और 55 के बीच में पहुंचेगा। पूरा मंत्रिमंडल हार रहा है, मुख्यमंत्री समेत पूरा मंत्रिमंडल हार जाए, ये भारत के इतिहास में पहली बार देखने को मिल रहा है। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश हम चलेंगे आकांक्षा, ठीक है सुंदर जी। रविंद्र ठेंगड़ी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर है। क्या रविंद्र जी, क्या आप तो लगातार रहे हैं यहाँ पे, इतने वरिष्ठ पत्रकार है, क्या ये हो रहा है, चमत्कार होगा कि अभी भी कुछ रहना बाकी है? अभी बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि मात्र 3-4 राउंड हुए हैं, 15-16 राउंड होते हैं, नेक टू नेक होने की स्थिति शुरू से बताई जा रही है, क्योंकि मतदान का प्रतिशत जो होना चाहिए उससे काफ़ी कम है। तो एक बात होता है कि माइक थोड़ा पास कर लीजिए। हाँ हाँ, आने वाले समय में कुछ सीटों में उलटफेर हो रहा है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी में सीटों का अंतर जो बढ़ रहा है वो कांग्रेस के लिए एक चिंता का विषय तो निश्चित रूप से हो सकता है, क्योंकि वो अंतर लगातार बना हुआ है, वो कम नहीं हुआ है, कम भी होता है तो 1-2 अंकों का कम होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो स्थितियां हैं वो 1 घंटे के अंदर अंदर आंकड़ों में कुछ उलट फेर तो होंगे।